सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देखो मुझे भी पता है, तुम्हें पता है कि इस लॉकडाउन में तुम अकेले अकेले मूवीज़ देख रहे होंगे, अकेले टाइम स्पेंड करोगे, फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, पेरेंट्स को ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो सुनो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक मूवी बता रहा हूँ, एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ, तुम उनके साथ ज़रूर देखना, तो तुम भी हंसोगे उनको भी हंसाओगे, है ना। क्योंकि इस मूवी ने एक सोशल मैसेज डिलीवर किया है, साथ ही साथ उसने कॉमेडी का तड़का भी लगाया उसमें, नॉट अ प्रॉपर कॉमेडी पर हाँ कुछ सीन्स जो है, कुछ डायलॉग जो है वो ज़रूर आप लोगों को हंसा देंगे। तो इस मूवी का नाम है गुलाबो सिताबो। जी हाँ, ये 2 दिन पहले आई है, वही वाली गुलाबो सिताबो। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं इसी प्रकार से मूवी की रिव्यू करता हूँ, ट्रेलर प्रेडिक्शन करता हूँ, स्पॉइलर प्रेडिक्शन करता हूँ। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो ये जो लाल बटन दिख रहा है ना, तो उसको दबा दो और बेल आइकन को भी हिला दो। तो काहे वेट कर रहे हो, चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास करे। इस मूवी का रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम इसकी कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं ना, है ना। तो चलो ना, देखो इस मूवी में है ना हमारे तो लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन ने इस कैरेक्टर में घुस ही गए, मतलब उसको इतना अच्छे से तराशा है ना, नक नक करके तराशा, बोलते हैं ना बिल्कुल बारीकी से, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि मिर्ज़ा जो है वो अमिताभ बच्चन है। मतलब बिल्कुल बखूबी उस कैरेक्टर के अंदर घुस जाना, उसकी एक एक आदतों को लेना, उसके चलने के मूवमेंट्स को लेना, उसके बोलने की तहजीब को लेना, है ना, उसके एक्शंस लेना, उसके एक्सप्रेशंस लेना, मतलब कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता ये अमिताभ बच्चन है, मिर्ज़ा नहीं है। मतलब मैं इनटू द सीन आ गया था कि मैं भी नहीं बोल पा रहा था कि यार ये अमिताभ बच्चन है। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको डिफ्रेंशिएट करना, इसलिए तो उन्हें लेजेंडरी एक्टर बोलते हैं। सेकंड सेकंड है हमारे द वर्सेटाइल एक्टर। कुछ भी एक्ट करा लो इनसे, कभी भी एक्ट करा लो, कैसी भी एक्टिंग करा लो, ये एक्ट कर लेते हैं और इतनी बखूबी उसको तराशते हैं ना, उम्दा, कोई पॉइंट ही नहीं है इसको, मतलब उनको डिफाई डिक्लाई करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जी हाँ, हमारे आयुष्मान खुराना। पर पता है एक चीज़ क्या है, अमिताभ बच्चन के चार्म के सामने ना आयुष्मान का शेडो शेडो में रहना पड़ेगा, उसका चार्म फीका पड़ गया, पर उसने बराबर बराबर अपना काम पूरा अच्छे से करा, निपुणता से करा है। इसलिए आयुष्मान का एक्टिंग में मैं फुल में से फुल मार्क्स दूंगा, उसने बहुत औसम काम किया है। उसके साथ जो है सपोर्टिंग कास्ट में हमारे विजय राज है, और विजय राज जिस मूवी में आते हैं और जिस सपोर्टिंग कैरेक्टर में अपने आप को ढालते हैं ना, वो कैरेक्टर उनका बन जाता है। कोई उनसे उस कैरेक्टर को उनसे बेहतर तो नहीं कर सकता। मैंने जितने भी उनकी एक्टिंग देखी है आज तक, उनका रोल अगर उनने किया है वो रिप्लेसेबल नहीं है, बहुत सही रोल है। और वो जब भी कोई एक्टिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा कॉमेडी का पंच जरूर डाल देते हैं। अपना जो एक और सपोर्टिंग कास्ट का नेम है, उनका नाम है ब्रजेंद्र काला। ब्रजेंद्र काला भी वैसे ही है विजय राज जैसे, उनका भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उनका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न एक्टिंग करने का, और उनकी भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे उनका एक ट्रेंडिंग या ट्रेडमार्क है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से ब्रजेंद्र काला ने पूरी निपुणता से अपना काम किया है, बिल्कुल सही तरीके से। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग, आयुष्मान खुराना की जो इस मूवी में बहन बनी थी, जी हाँ सृष्टि श्रीवास्तव, जी हाँ वो ही जो गली आपा के गर्ल्स हॉस्टल से निकली थी, बहुत ज़्यादा फेम कमाया उनने, और इस मूवी में उनने कसम से धमाल की एक्टिंग करी है, बहुत ज़्यादा औसम एक्टिंग करी है। पल पल में जो उनने अपने किरदार को ऐसे झरोके से निकाला है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में चले जा रहा हूँ, पर हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग है, बहुत ज़्यादा स्टारडम लिया उनने। पूरी जो कास्ट है बहुत ज़्यादा औसम है मेरे हिसाब से। तो अब इस मूवी के हम जो है ना डायरेक्टर जी की बात कर लेते हैं, निर्देशक जी की बात कर लेते हैं। जी हाँ, उनका नाम है सरकार। अरे ये सरकार नहीं, ये सरकार तो है ही सही, सुजीत सरकार। सुजीत सरकार जो है इन्हें बहुत सारी मशहूर फिल्में निकाली, जैसे मद्रास कैफे हो गई, पीकू हो गई, अक्टूबर हो गई। अगर आप मद्रास कैफे जैसे सीरियस मूवीज जानते हो इनकी, तो ये वैसी टाइप की मूवी नहीं होगी, ये लाइट हार्टेड मूवी होगी, पीकू जैसे, अक्टूबर जैसे। तो अगर आपको वैसी टाइप की मूवीज़ पसंद है इनकी, तो ही इस मूवी को देखना, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही कुछ है। मैं क्लियर नहीं जा रहा, पर इसमें भी ऐसा ही कुछ है कि स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि गुलाबो और सिताबो जो होते हैं वो पपेट्स हैं, ये कठपुतलियाँ हैं, और एंडिंग में भी हमें वही सीन दिखाया जाता है। मतलब आप समझे नहीं कि इसका क्या रिलेवेंस है, क्या रिसेम्ब्लेंस है, नहीं समझ रहे, मैं समझाऊंगा ना। देखो इसमें क्या हो रहा है कि देखो जब भी कठपुतलियाँ नाचती हैं तो उनके सामने उनको देखने वाली उनकी ऑडियंस होती है, नहीं समझे। मतलब जब जैसे ये अभी पूरी मूवी चलेगी, तो इनमें कोई ना कोई जो है कठपुतली होगा, उनको देखने वाली ऑडियंस कौन है, हम लोग हैं। अभी भी नहीं समझे, मतलब पूरी मूवी में कोई ना कोई गुलाबो सिताबो होगा, वो आपको पता करना है कि कौन है गुलाबो सिताबो, क्योंकि मैं बता दिया सस्पेंस करके रहा हो जाएगा। तो कोई ना कोई गुलाबो सिताबो होगा और उनको देखने वाली ऑडियंस है हम, ठीक है। और क्लियरली मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मतलब हर इंसान की स्ट्रिंग्स किसी ना किसी के हाथ में होती है, और वो कंट्रोल कैसे करते हैं, बाय उनके लालच से और बाय उनकी चाहिदा से, उनके ड्रॉबैक से, समझ रहे हो। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वही कठपुतली के कॉन्सेप्ट से ये लोग समझा रहे हैं। बहुत डायरेक्टर ने बहुत बिनीथ द लेवल जाके ये चीज़ों को सोचा है, ठीक है। अब आप अगर स्टोरी लाइन पर अगर हम जाएँ, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है मकान मालिक से और किराएदार से। तो मकान मालिक जो है हमारे मिर्ज़ा हैं, और किराएदार है बाकी एंड उनकी कंपनी और जो भी लोग हैं। तो मकान मालिक जो होता है या मिर्ज़ा जो होता है, वो बहुत ज़्यादा चीप होता है, बहुत ज़्यादा लालची होता है, मतलब अपने किराए के ही बल्ब चुराता है, घंटियां चुराता है, उसको बेच के आता है और थोड़े बहुत पैसे लाता है। तो आप बोलोगे यार वो इतने बड़े हवेली महल का मालिक है और वो ये सब चीज़ें क्यों करता है। देखो एक चीज़ ये है कि वो महल और वो जो घर है या हवेली है, वो बेगम के नाम पे है, वो मिर्ज़ा के नाम पे नहीं है। तो इसलिए मिर्ज़ा पूरा डिपेंडेंट था बेगम के ऊपर पैसों के लिए, इसलिए वो ये सब चीप हरकतें करता था, और वो लालची भी बहुत था, समझ रहे हो।
किराएदार भी कम नहीं थे, किराएदार जो थे जैसे बाकी जो था उसने बचपन से जवानी अपने उसी घर में बैठाई बिताई है, घर के आंगन में निकाली है, होते हैं ना, तो वो उस घर को अब वो ऐसा रेंटल नहीं सोच रहा था, उस घर को अपना समझने लग गया था, हड़पना चाह रहा था, वो अकेला किराएदार नहीं था, सारे किराएदार। तो इधर से ये नोक झोंक दिखा रहे थे छोटी सी सास बहू टाइप की, किराएदार वर्सेस मकान मालिक। तो यही अब इसकी स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें ये क्लियर कट पता चल जाता है कि जो मिर्ज़ा है उसको बे इंतहा मोहब्बत है अपनी हवेली से, और जो किराएदार है वो धीरे धीरे हड़पना चाहते हैं क्या उनकी हवेली, समझ लो। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है। और एक और चीज़ है ये है कि बाके एंड कंपनी जो है उनको ये डर था कि अगर मिर्ज़ा ने हमें घर से निकाल लिया तो हम कहाँ जाएंगे, और मिर्ज़ा को ये डर था कि अगर ना इनने कब्ज़ा कर लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि बेगम तो अपना गुजारा कर ही लेगी, वो ओनर है, बेगम ने भी लात मार दिया तो। और बाके और मिर्ज़ा की जो ये सास बहू की ये कोल्ड वॉर मान लो या वर्ल्ड वॉर 3 जो चलती है ना, सास बहू टाइप की, देखने में बहुत अच्छा लगेगा, उनकी केमिस्ट्री देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी चीज़ इस मूवी में ये है कि इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, हे भगवान बचा लिया, माँ कसम इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, नहीं तो निकल ही जाते हम। और इस मूवी की इतनी अच्छी चीज़ है ये है कि ये जो गुलाबों सताबों ने नाम चूज करा है ना, ये बहुत टंग ट्विस्टिंग है, मतलब एक बार में तो मेरे से बुला ही नहीं जा रहा था। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले इतना सिंपल है, इतना लो प्रोफाइल यूज़ किया गया है इन लोगों ने, है ना, कि इसको इतना रियलिस्टिक बनाया गया है। देखो एक चीज़ इन्हें क्लियर कट बताई है कि देखो जो किराएदार भी जो रहता है, जो मकान मालिक भी जो रहता है उस हवेली में, वो बहुत मतलब बहुत गरीब है, ठीक है, मतलब मकान मालिक, मैं बेगम का नहीं बोल रहा, बेगम तो ऐश से ही रह रही है, बेगम को कोई दिक्कत नहीं, पर मैं मिर्ज़ा की बोल रहा हूँ, मिर्ज़ा बहुत गरीब कंडीशन से गुजर रहा है और सारे किराएदार गरीब कंडीशन से गुजर रहे हैं, समझ रहे हो। पर बात यह है कि मकान मालिक को किराएदार की हजम नहीं होती, किराएदार को मकान मालिक की हजम नहीं होती, किराएदार अपना किराया नहीं देता, तीन तीन चार चार महीने में किराया कितना देता है, सिर्फ 30 रुपये, वो भी आज के टाइम में, समझ रहे हो, जबकि ऐसा उसको कोई पैसों की तंगी भी नहीं है बाकी को, क्योंकि बाकी खुद की एक आटे की पूरी वो है ना, आटे चक्की है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, वो भर सकता है, पर नहीं, वो उसको हड़पना चाहता है हवेली को, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ये एक तरह से फैमिली मूवी है जो एक तरह से कॉमेडी के तड़के के साथ दिया, मतलब एक सोशल मैसेज को एक कॉमेडी के सेंस में बोला, मतलब एक प्रॉपर कॉमेडी नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ सीन्स जो है वो कॉमेडी आपको मज़ा आएगा। और इस मूवी का स्टार्टिंग फेज जो है बहुत स्लो है, क्योंकि कुछ नए कैरेक्टर्स को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है मूवी, पर जैसे ही वो सेटअप होते हैं ना, मूवी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और वो दो कैरेक्टर होते हैं अपने, एक आर्कियोलॉजिस्ट मतलब विजय राज, और अपने एक होते हैं लॉयर, है ना, तो ये इन दोनों का कैरेक्टर को सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर उसके बाद जो स्पीड पकड़ती है ना मूवी, बहुत सही है। पर अब कुछ लोग जो होंगे ना, वो इतने स्लो पेस में मूवी को देखना पसंद नहीं कर पाएंगे, उतने पेशेंट नहीं होंगे, तो हाँ, तो मैं उन लोगों को ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और इस मूवी की कुछ कुछ सीन्स में, मतलब ऐसे 4 बार हुआ है, कुछ इस मूवी में कुछ कुछ सीन्स में इसके रीजनल बैकग्राउंड सॉन्ग्स लगाए, वो बिल्कुल ऑसम है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉन्ग टाइप के हैं, रीजनल बैकग्राउंड सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगे मेरे को, ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा, डायरेक्टर जी बहुत सही यूज़ किया आपका दिमाग आपने, फिर से थैंक यू सरकार जी, अरे ये सरकार नहीं वो, जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे ना, वो मेरे से ये बोलेंगे भाई इतनी स्लो पेस की मूवी है तो मैं क्यों देखूं यार, मैं इतना पेशेंट नहीं हूं, तो मेरे को कुछ वजह बता जिसकी वजह से मैं ये मूवी देखूं। देखो इस मूवी को देखने का पहले वजह यही है कि इसमें अमिताभ बच्चन है और वो इतनी स्पेक्टिकुलर एक्टिंग कर रहे हैं ना कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि मिर्ज़ा है कि अमिताभ बच्चन है, समझ रहे हो। उनकी मूवमेंट्स को कॉपी करना, उनकी चाल, उनके हाव भाव को बोलना, उनके बोलने का तरीका, उनके बोलने का तहजीब, समझ रहे हो, पूरी कॉपी करना, बहुत अच्छी एक्टिंग करी। अगर अमिताभ बच्चन को आप ऐसी एक्टिंग में आपको देखना है ना, जरूर देखो, जैसे एक बार ऐसी एक्टिंग उन्होंने पीकू में करी थी और उसमें भी सुजीत सरकार ही थे डायरेक्टर, पर हाँ अगर आपको देखना है अमिताभ जी की एक्टिंग, बिल्कुल इसको छोड़ो मत, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। सेकंड, इसमें जो आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की जो केमिस्ट्री है ना, जो कोल्ड वॉर चल रहा है सास बहू जैसे नोक जो, अगर वो देखनी है तो प्लीज़ इसको देखो, इसको छोड़ो मत। थर्ड, इसका क्लाइमैक्स इतना तबाही है ना, फिर अगर इसका क्लाइमैक्स तक आप पहुंच गए ना, फिर आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि यार ठीक है फर्स्ट हाफ जो था इसका स्लो पेस में था, पर मेन बात है क्लाइमैक्स तक पहुंचो, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो तबाही होने वाली ना ब्रो, नहीं स्पॉइलर नहीं दे रहा मामू, कंट्रोल, स्पॉइलर नहीं। भाई लोग की जो कहानी जो रहती है, ये किराएदार, मकान मालिक, फिर बिल्डर और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉयर, इसके आसपास ही ये कहानी गोल 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 घूमती रहती है। जैसे ही कहानी अपनी स्पीड पकड़ती है, पेस पकड़ती है, उसके बाद ये डिटरमाइन या प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नेक्स्ट टर्न क्या होगा मूवी में। सो बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, ठीक है। और इसकी एक सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें मिर्ज़ा को बहुत बुरी लगने वाली है, फिर से स्पॉइलर दे दिया। मिक्स का सीन देखे तो आप एक ही चीज़ बोलोगे, अरे कहना क्या चाहते हो, समझ गए ना। तो बिल्कुल आप भी थोड़ा मेंटलिटी बना के रख लो कि क्लाइमेक्स में आपको कुछ खास मिल सकता है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, कत्ते ही नहीं दूंगा। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि गुलाबों सिताबों दो पपेट्स है इस स्टोरी में, इस पूरी मूवी में, तो चलो मैं बता देता हूँ। गुलाबों मान लो मिर्ज़ा, सिताबों मान लो किराएदार, अब आप खुद से समझ लो कि पपेट मास्टर कौन है, ओके। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा रिव्यू का पैटर्न अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो अच्छा लगा, जो अच्छा नहीं लगा, और जो कुछ क्वेरीज़ है वो पूछना है, अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पूछना है तो वो भी कमेंट कर दो, और अगर शेयर करना है प्लीज़ शेयर कर दो, 1K के पास है तो शेयर भी कर सकते हो आप। और एक और चीज़, तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पर भी आ गया है, सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, तो जिसको मेरे सुपर हीरो स्टफ और ये सब मेरे रिलेटेड वहाँ पोस्ट डालता रहता हूँ, जिसको इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो ज़रूर कर देना। ओके, शबा खैर, साइनिंग ऑफ।